अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। कितनी बार आपने सब सुना होगा, दिन में इतनी ठंड नहीं है पर रात में इट्स वेरी कोल्ड। ऐसा सुनना है ना, आधे लोग अंग्रेजी बोलते हैं फिर आधे हिंदी बोलते हैं। आप इस राउंड में समझकर बोलो, इंग्लिश में से इंग्लिश पहचानो, यही है हमारा तीसरा राउंड, समझकर बोलो। अंग्रेजी वाक्य का मतलब समझाओ, 20 में से 20 ले जाओ तो टीम तैयार है। रॉकस्टार, आपका सवाल ध्यान से सुनो। मुन्नी बीमार है, उसको ठंड लग रही है, मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मुन्नी बीमार है, उसको ठंड लग रही है, मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मम्मी ने उसे गरम दूध दिया। अब मैं बेहोश हो जाऊंगा अगर तुमने इतना अच्छा जवाब दे दिया तो। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। सुपरस्टार, आप अपना सेंटेंस ध्यान से सुनिए। रोहित पेड़ पर चढ़ा, उसने बहुत सारे सेब तोड़े, द एप्पल्स आर स्वीट। रोहित पेड़ पर चढ़ा, उसने बहुत सारे सेब तोड़े, एप्पल्स आर स्वीट। एप्पल बहुत मीठे थे। नहीं बेटा, हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? सेब बहुत मीठे थे। एप्पल्स आर स्वीट। बेटा टाइम खत्म हो गया, आई एम सॉरी। सेब मीठे हैं, मीठे होते हैं नहीं। आपके पॉइंट्स कट जाएंगे बेटा, 20 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे इसमें आपको। चलिए मेगा स्टार, ध्यान से सुनिए। आसमान में काले बादल हैं, हवा तेज चल रही है, इट इज गोइंग टू रेन। आसमान में काले बादल हैं, हवा तेज चल रही है, इट इज गोइंग टू रेन। बताइए आखिरी सेंटेंस का अर्थ क्या है? बारिश हो रही है। इट इज गोइंग टू रेन। बारिश जा रही है। नहीं, फिर ऐसा थोड़ा होगा, इट इज कमिंग टू रेन। बारिश बंद हो रही है। नहीं बेटा, ना बारिश जा रही है ना बारिश बंद हो रही है, इसका सही मतलब है बारिश होने वाली है। आई एम सॉरी। तो आपके 20 मार्क्स कट गए। आपने विजय दीनानाथ चौहान का ये डायलॉग तो सुना होगा, पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन वाली, पिक्चर का नाम था अग्निपथ। वो बोलते हैं, है दो में कीड़ा दुनिया टाइप का। कोई मतलब नहीं इस बात का, क्योंकि असली डायलॉग तो ये है, दुनिया में दो टाइप का कीड़ा है। हमारा अगला खेल भी यही है, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, उसमें वर्ड्स आगे पीछे होंगे मगर आपको वो सही करने हैं। सही जवाब देने वाले को 20 में से 20 और आपके पास है केवल 30 सेकंड जवाब देने के लिए। तो आप लोग तैयार? यस सर। ओके, रॉकस्टार टीम से मी योर नेम टेल। मी योर नेम टेल, इसको सही करके बताइए। टेल मी योर नेम। माय नेम इज अनुपम। Tell me your name. Alia. Alia. So tell me your name is right? Huh? Yes, sir. Tell me your name is absolutely right. Wah, 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 wah. Okay. Superstar team, aapka vakya hai, reading a book is she. She is reading a book. नहीं बेटा, सोच से बोलो। उनको बहन को सुनो, वो क्या बोल रही है, फिर वो बोलो। She is reading a book. टाइम अप हो गया, मगर आप देखिए उसमें तो ए ए की है ना, आपने नीचे दो लगा दिए हैं। तू अपने हिसाब से बोल, चल बेटा बता तेरे हिसाब से क्या ठीक है। टाइम तो तेरा आप हो गया है, मगर आप बताओ क्या है। She is reading a book. हाँ, पर अब ये लेट करेक्ट हुआ।
पहले वो सही बता रही थी शायद आपको, आपको सुनने में शायद कुछ गड़बड़ हुई। शी इज अ रीडिंग अ बुक नहीं है, शी इज रीडिंग ए बुक राइट है, मगर इसका जवाब आपने टाइम खत्म होने के बाद दिया। आई एम सॉरी, तो आपके मार्क्स कट गए। चलिए मेगा स्टार, ये है आपका वाक्य। इज नेम व्हाट योर, इज नेम व्हाट योर, हिंदी में इसका मतलब है आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, सही है, करेक्ट, yes. Absolutely right. What is your name? बिल्कुल सही आपने पकड़ा बेटा। इसी के साथ हमारे तीनों राउंड खत्म हो चुके हैं, पर स्कोर्स अभी भी बाकी हैं। तीसरे पॉइंट पर है सुपर स्टार टीम विद 60 पॉइंट्स, मेगा स्टार को मिले हैं 70 पॉइंट्स, और आज के विजेता रॉक स्टार ने सेंचुरी बनाई है 100 पॉइंट्स। अंग्रेजी की मात्राएं जानी, स्पेलिंग बनाई, और तो और अंग्रेजी के वाक्य भी बनाए। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि खेल खेल में आप अंग्रेजी बोल जाएंगे? जिस भाषा को बोलना तो चाहते थे पर हमेशा उससे डर डर के भागते रहे। कभी सोचा था कि आप उसी भाषा की ओर हाथ बढ़ाएंगे? अगर अब तक नहीं सोचा था तो अब वक्त आ गया है। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त, अब अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल, ओनली ऑन अंग्रेजी ओके प्लीज।